जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वाइन से शुरू होती है, तो जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वो साडा अड्डा होता है। हाय, मैं हूँ रोहिन रॉबर्ट और इस मूवी साडा अड्डा में मेरा किरदार एक अमीर रईस जाट का है और उसका नाम है रजत हुडा, जो कि जामिया से है और वो स्टड है बस। दिस इज बॉम्बिक संपत। आई एम प्लेइंग इरफान हबीब, मुरादाबाद से आए, आर्किटेक्ट है, बड़े ख्वाब लेकर आए और जैसे ये सारे हैं वैसे इसके भी एक ख्वाब बड़े। हाय, मेरा नाम रोहित अरोरा है और मैं जोगी प्ले कर रहा हूँ। हाई स्कूल फेल हूँ मैं मूवी में, वैसे भी हाई स्कूल फेल हूँ तो इतना ज़्यादा मेरा कुछ यही है कि मैं हाई स्कूल फेल हूँ, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। हाय, माय नेम इज़ कुणाल पंत एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस साडा अड्डा टीम। आई एम प्लेइंग रोल ऑफ स्मॉल टाउन गाय हु हैज़ कम टू दिल्ली एंड ही इज़ फ्रॉम बनारस, हिज नेम इज़ कबीर अस्थानी। Yes, we all are very excited about the movie and साथ साथ हम थोड़े नर्वस भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। ऑब्वियसली हम लोग नर्वस तो होंगे क्योंकि हम लोगों का पहला प्रोजेक्ट है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसी होगी क्या होगी। उस नर्वसनेस को कम हमारा ये हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं जब इस बारे में कि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं मूवी के बारे में कि जो जिस तरीके से कि हम लोगों ने सब ने फ्रॉम भौमिक टू रोहित टू कुणाल टू मी एज रोहिन हम लोगों ने इतनी मेहनत करी इस मूवी को लेके कि वहाँ जाके थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है। द फिल्म इज़ वेरी यूथ सेंट्रिक, सो द काइंड ऑफ ऑडियंस वी आर गेटिंग इन द पीपल हु हैव सीन आवर प्रोमोस दे आर एबल टू रिलेट टू द ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, सो दिस इज़ आई थिंक द पॉजिटिव पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वाइन से शुरू होती है, तो जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वो साडा अड्डा होता है। फिर चाहे वो राजसरू हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कहीं भी हो, जिस जहाँ पे हम सारे लोग मिलते हैं, जहाँ पे हम सारे लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पे हम सारे लोग अपने सपने सजाते हैं, वो सब साडा अड्डा बन जाता है। आई थिंक यूथ इज़ द बेस्ट एज जहाँ पे आप अपने सारे सपने देखते हैं और उनको सच करने के ख्वाब होते हैं। जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं आपको लगता है कि अरे नहीं, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। तो यूथ को यहाँ से रिलेट करेगी कि जहाँ से जिस तरह से वो सपने देखेंगे, जिस तरह की के कैरेक्टराइजेशन है इस फिल्म में, मेरा जिस तरीके का कैरेक्टर है वो बहुत यूथ ओरिएंटेड कैरेक्टर है। जैसे वो कॉलेज का कैरेक्टर है तो वो कॉलेज भी जाता है, मस्ती भी करता है, सब कुछ करता है, तो इस तरह से मैं इस मूवी का रिलेशन देखता हूँ। सी फॉर मी द कबीर अस्थाना कैरेक्टर, सी ही इज अ स्मॉल टाउन गाय और वंस वी आर कमिंग टू मुंबई वी ऑल कम विथ सम काइंड ऑफ ड्रीम। हम सब का ड्रीम है कि लाइक वी वॉन्ट टू बी गुड एक्टर्स एंड वी वॉन्ट टू परस्यू आर ड्रीम्स। वी हैव सर्टन प्रेशर्स इन आर माइंड्स, द काइंड ऑफ प्रेशर द पेरेंट्स हैव, द काइंड ऑफ द पीयर प्रेशर वी हैव। सो वो सब प्रेशर लेके एक यूथ जब एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में आता है तो दैट काइंड ऑफ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई वॉज एबल टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर इन अ वेरी सिमिलर वे। वैसे जो लाइफ साडा अड्डा में दिखाई गई है, मैं वैसे कभी अपनी रियल लाइफ में मैंने वो ज़िंदगी जी नहीं है क्योंकि मैंने तो अभी जस्ट कॉलेज लाइफ स्टार्ट की है। बट जब मुझे राजीव सर, तरुण सर और मौजम सर ने बोला कि तुम्हें ये कैरेक्टर दिया जा रहा है और इस टाइप की मूवी है, तो मतलब मैं थोड़ा था कि कैसे करेंगे। बहुत सारी वर्कशॉप की हमने और धीरे धीरे हम इतना मिक्सअप हो गई इन कैरेक्टर्स में इस मूवी में कि उसी टाइम पीरियड में, शूट टाइम पीरियड में हमने सारी वो मैंने एक्चुअली सारी ज़िंदगी जी ली जो ये सारे जीते आए हैं। जब हाथ सलामत हैं भाई तो अरमा यूं ही निकल जाएंगे। सोच साढ़े जो हाथ ही ना होते तो अल्लाह अंधा बना दे टुंडा ना बना दे। द की पॉइंट फॉर द फिल्म इज वेरी रियल कैरेक्टर्स, व्हाट यू डेली ऑब्जर्व इन योर लाइफ and the chemistry between these characters, because aaj ki date mein it's very simple to say that we two are friends, but how far those two friends can go or how far the group of friends can go to you know this he must be having different thoughts, but yeah, so how far they can go actually to you know support each other, so that's the support of Saada Adda, support of friendship is the key point of our film. Ek loser ke liye apni life barbaad mat karo,
जब अपना वक्त आएगा ना तो एक एक की पर्ची काटूंगा और जायज तरीके से लूंगा और इस दुनिया को देना पड़ेगा यार। मेरा पर्सनली फेवरेट है साडा अड्डा। वो तो पहली बार जब मैंने सुना था तब से ही मेरा फेवरेट है। साडा अड्डा गाना शुरुआत में ही आता है फिल्म के और वहीं से केमिस्ट्री सबकी दिखनी शुरू होगी। हर एक कैरेक्टर बताया जा रहा है उस गाने में, तो जब फिल्म शुरू होगी तभी से आपको पता चल जाएगा कौन कैरेक्टर क्या कर रहा है। बाकी सारे गाने अच्छे हैं। सरफिरा है जो थोड़ा रोमांटिक गाना है, पेपी नंबर है दिल्ली की बिल्ली, और आओ साफ करे जो इनका फेवरेट है, बाद में दोस्ती के ऊपर एक गाना है। हर तरह के गाने हैं इस मूवी में। सरफिरा है दिल तो कुछ कुछ सरफिरा है। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज वॉच आवर मूवी साडा अड्डा ऑन 13th of January 2012 ओनली इन थिएटर्स।